नमस्कार दोस्तों, अध्ययन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स के इस लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, कुछ होमवर्क भी दिए गए थे, जिसको आज मैं डिस्कस करूँगा। आज भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर और एक सिक्वेंस सीरीज का लेक्चर कर चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए। कुछ भी और रिक्वायरमेंट हो उसे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लग रहा है वो भी बताइए, और जो भी और रिक्वायरमेंट हो बताइए, मैं जरूर करूँगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन में स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट मैं पहले बता दूंगा, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहला चीज़ हम लोग करेंगे आज कुछ कॉमन रूट्स का। देखो, कॉमन रूट्स क्या होता है कि अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन a1x² + b1x + c1 = 0, और दूसरा एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है a2x² + b2x + c2 = 0, और इन दोनों का एक रूट जो है वो कॉमन है, वो क्या है, अल्फा। ठीक है ना, तो ये अल्फा का वैल्यू फाइंड करना होता है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि अल्फा स्क्वायर और ये नीचे कुछ दिया होता है इक्वल टू अल्फा, और फिर नीचे कुछ इक्वल टू वन, और नीचे कुछ। ये नीचे कुछ क्या है उसको हम लोग याद नहीं करना है, उसको हम लोग इस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसको बोलते हैं, इस मेथड से फाइंड करते हैं। ये हम लोग बच्चे क्लास से करते आए हैं, क्लास 9th-10th में भी ये था। कुछ ज़्यादा मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं बता रहा हूँ अभी। ये देखो क्या होता है, यहाँ पर b1 और बाई b2, b1 लिखते हैं यहाँ पर और b2, फिर c1 c2, फिर c1 c2, मतलब x का कोफिशियंट पहले, फिर कॉन्स्टेंट, फिर उसके बाद a1 a2, फिर a1 a2, और फिर क्या करते हैं b1 b2 को रिपीट कर देते। इस तरह चार ये हो जाता है, चार कॉलम बन जाता है हम लोग का, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, ये चार चार का पेयर ले लेते हैं, मतलब कि दो दो कॉलम का। ठीक है ना, और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली बार में हम लोग लिखते हैं क्या, अल्फा स्क्वायर। अब ये अल्फा स्क्वायर जो हम लोग लिख रहे हैं, तो अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा, पहला वाला बॉक्स जो हम लोग का यहाँ से ग्रीन वाला के अंदर दिख रहा है, उसमें क्या करेंगे b1 c2, तो b1 c2 लिख दिए यहाँ पर नीचे। उसके बाद इधर से जब उल्टा जाएंगे तो माइनस लेंगे, इसके लिए क्या लेना है, माइनस, तो माइनस ये, फिर b2 c1, फिर लिख लिया हम लोग क्या, b2 c1। आई बात समझ में, इक्वल टू अल्फा। अल्फा के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट दो कॉलम को लेंगे, ये और ये, इसमें क्या c1 a2, c1 a2 यहाँ लिखेंगे, फिर माइनस c2 a1, फिर माइनस c2 a1, फिर इसको ये लिखेंगे, फिर उसके बाद इक्वल टू कांस्टेंट वाला टर्म लेंगे, कांस्टेंट वाला टर्म के लिए क्या फिर लिखेंगे, फिर अगला दो कॉलम हम लोग ले लेंगे, तो उसमें होगा क्या a1 b2 और a2 b1, और इक्वल टू ये k हो जाएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद मान लो कि ये फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को हम लोग, फर्स्ट वाले टर्म को हम लोग ले लेंगे फर्स्ट, इसको सेकेंड ले लिए और इसको थर्ड ले लिए। ठीक है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया। अब इसी को सॉल्व करके हम लोग को अल्फा का वैल्यू फाइंड कर लेना है, तो वो कैसे करेंगे, मान लो अल्फा इक्वल टू फर्स्ट बाई सेकंड कर लेंगे, और फिर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकंड बाई थर्ड हो जाएगा, या फिर जैसे आप लोग दूसरा मेथड करना है उस भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये बॉक्स वो भी ये कॉन्स्टेंट के इक्वल है, और ये वाला बॉक्स भी कॉन्स्टेंट के इक्वल है। अब इसको सॉल्व करके हम लोग क्या करना है, अल्फा बीटा अल्फा फाइंड कर लेना है। ठीक है ना, तो ये चीज़ टर्म याद होना चाहिए, मेन इसमें यही होता है। और ये बच्चों आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 3D हम लोग करेंगे या और भी बहुत जगह इसका यूज आता है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, तो इसको अच्छी तरह समझ लेना है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, b1 से स्टार्ट करना है, मतलब कि एक्स के कोफिशियंट, एक्स का कोफिशियंट क्या है यहाँ b1, यहाँ b2, उससे स्टार्ट करना है। फिर क्या लिखना है, c1 c2 लिख दिए, फिर a1 a2, फिर a1 a2, और फिर b1 b2 रिपीट कर दिए, और दो दो कॉलम को एक साथ लेकर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलो ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, बोथ रूट्स आर कॉमन। कभी कभी किसी इक्वेशन में क्या होगा कि दोनों रूट्स अल्फा और बीटा दोनों कॉमन होगा, मतलब दोनों सेम होगा। वो कब सेम होगा, एक लाइन का इक्वेशन मान लो यहाँ पर ax + by + c = 0, ठीक है ना, और दूसरी लाइन, दूसरा कोई भी लाइन अगर होता है तो ऐसे कट करता है, तो इसका क्या होगा, ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा, वैल्यू आएगा। ठीक है ना, तो अब हम लोग को पूछ रहा है क्या कि ये बोथ रूट्स आर कॉमन, दोनों रूट उसका कॉमन हो, मतलब सेम हो, अल्फा भी सेम हो बीटा भी सेम हो, तो उसका कंडीशन क्या होता है, a1 by a2 = b1 by b2 = c1 by c2। ये बेसिकली क्या होता है, दोनों लाइन जब ओवरलैप करेगा तो उसका कंडीशन होता है, और इस कंडीशन में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भी होता है, हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना,
ठीक है, तो इसमें एक नोट पॉइंट मैं बता रहा हूँ क्या, इफ कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे कि जो भी इक्वेशन है उसका एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट इन बोथ द इक्वेशन बी यूनिटी, या तो वन हो या सेम हो, बोथ क्या हो, या तो वन हो या तो सेम हो, देन द वैल्यू ऑफ कॉमन रूट इज ऑप्टेन बाई, तो उसका कॉमन रूट कैसे ऑप्टेन करते हैं, देखो जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका कोफिशियंट क्या है, या तो वन होना चाहिए या तो सेम होना चाहिए, सेम होने का मतलब अगर मान लो टू रहा तो टू को हम लोग कॉमन लेकर इधर फेंक देंगे, इसमें भी टू को कॉमन लेकर इधर फेंक देंगे, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, फाइनली सेम ही हो जाएगा या वन वन हो जाएगा, इसीलिए बोला जा रहा है सेम, सेम मतलब टू टू हो, फाइव फाइव हो, तो फाइव को कॉमन लेकर फिर हम लोग वन वन बना सकते हैं। तो वैसे कंडीशन पे जब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक रूट हम लोग का क्या आएगा, x इक्वल टू वन आएगा और a प्लस बी इक्वल टू माइनस वन होगा, ये रिजल्ट हम लोग को याद रखना है। ये रिजल्ट कैसे आया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड को आफ्टर सॉल्विंग वन एंड टू, वन एंड टू को सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। इस रिजल्ट पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि a प्लस बी इक्वल टू माइनस वन, कब, जब दोनों रूट कॉमन हो, दोनों रूट सेम हो, तो उस कंडीशन में इक्वेशन हम लोग का ऐसा कुछ बनेगा और इसका ये दोनों क्या होगा, सेम होगा, और जब ये दोनों सेम होगा तो फिर a प्लस बी इक्वल टू माइनस वन होगा, एक रूट वन होगा, ठीक है। इसके बाद कुछ नोट पॉइंट मैं और बता रहा हूँ, नोट पॉइंट में देखो क्या है, वन रूट इज जीरो इफ c इक्वल टू जीरो, अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है और उसका एक रूट मान लो अल्फा इक्वल टू जीरो आ जा रहा है, तो ये कब होगा, कब पॉसिबल होगा, जब c क्या होगा, जीरो होगा, जब c जीरो होगा, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो आर रेसिप्रोकल टू इच अदर देन c इक्वल टू a, मतलब कि एक रूट अगर अल्फा है और दूसरा रूट बीटा क्या है, वन बाई अल्फा है, रेसिप्रोकल है, एक रूट अल्फा दूसरा रूट क्या है, वन बाई अल्फा, तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये और ये वैल्यू सेम होगा, ए इक्वल टू सी होगा, ठीक है ना। ये सब चीज कॉन्सेप्ट याद रखने से कभी कभी हम लोग को बहुत आसान पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, बोथ रूट्स आर जीरो इफ बी इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो, ऑब्वियस सी बात है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर दोनों रूट जीरो हो जाएगा तो ये भी टर्म जीरो, ये भी टर्म जीरो, यानी कि ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो यानी कि एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि अल्फा बीटा दोनों वैल्यू जीरो होगा तभी ये पॉसिबल है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन, ये चीज अच्छा है, इसको इंपॉर्टेंट अब लगाओ, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो देन वन बाई अल्फा एंड वन बाई बीटा विल बी द रूट्स ऑफ क्या होगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, क्या किए हम लोग, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट क्या है, बीटा है, तो इस केस में, इसी केस में अगर रूट्स को वन बाई अल्फा और वन बाई बीटा कर देंगे तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, सिर्फ देखो ना ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, मतलब कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है वो कांस्टेंट बन जाएगा, जो कांस्टेंट है वो ए स्क्वायर बन जाएगा, तो इस तरह हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आता है, ये डायरेक्ट हम लोग बना भी सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट याद रखने से हम लोग का टाइम सेव हो जाएगा, इसको आप लोग शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हो, ठीक है ना। इफ फिफ्थ नंबर बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, ठीक है ना, मतलब कि सम ऑफ रूट्स, दोनों के रूट्स जैसे कि अल्फा और बीटा है, इन दोनों का सम कर रहे हैं तो वन बाई अल्फा और प्लस वन बाई बीटा कर रहे हैं, इसके इक्वल अगर हो रहा है देन तब क्या होगा हम लोग का, ये चीज ए बी स्क्वायर कॉमा बी सी स्क्वायर कॉमा सी ए स्क्वायर आर इन ए पी और बी बाई ए बाई बी और सी बाई ए विल बी इन ए पी, ये भी ए पी में होगा और वो भी ए पी में होगा। ये कॉन्सेप्ट, ये डायरेक्ट हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये रिजल्ट की तरह आप लोग याद करो, याद रखो थोड़ा सा, क्योंकि इससे टाइम सेव हो सकता है, बाकी हम लोग इसको कैलकुलेशन करके आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत बच्चों को इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत होता है कभी कभी, जिससे बोल देता है कि रूट्स आर ऑल्सो नोन एज जीरोथ ऑफ पॉलीनोमियल, कभी कभी बोलता है कि जीरोथ ऑफ पॉलीनोमियल इज टू, अगर बोल दे टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो और बोल दे कि इसमें जीरोथ ऑफ रूट्स इक्वल टू टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, तो जीरोथ ऑफ रूट्स का मतलब बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि जीरोथ ऑफ पॉलीनोमियल का मतलब यही होता है कि उसका एक रूट दिया हुआ है, मतलब अल्फा दिया हुआ है या बीटा दिया हुआ है, आई बात समझ में। तो ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको आप लोग ध्यान में रखो। उसके बाद कुछ रिजल्ट मैं बता रहा हूँ अभी,
कि सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, ये क्या रिजल्ट है कि जैसे कि कुछ कैलकुलेशन करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस टाइप का टर्म दिखता है। इस टाइप का टर्म दिखने का मतलब कि जैसे कि वाई ये रूट फिर टू फिर रूट टू फिर रूट टू फिर रूट टू है और ये अप टू इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो वाई इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जो अंदर का वैल्यू होगा वही रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हो, शॉर्ट ट्रिक की तरह इसको याद रखना है आप लोग को। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। आई बस समझ में, ठीक है। अभी देखो अगर ये अप टू इन्फिनिटी गया तो हम लोग का आंसर क्या आ गया, टू आ गया, अंदर टू टू था। मान लो इसी तरह अंदर फाइव 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 है या टू 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 है, जो भी है, लेकिन ये अप टू इन्फिनिटी नहीं जा रहा है, अप टू इन्फिनिटी नहीं जा रहा है, कुछ पार्टिकुलर टर्म के बाद स्टॉप हो जा रहा है। जैसे कि कितना बार हुआ इसमें, एक दो तीन चार पाँच, पाँच बार हुआ ना, तो हम लोग क्या करेंगे, टू टू द पावर फाइव करेंगे, टू टू द पावर फाइव करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, ये आ जाएगा हम लोग का 32, ठीक है ना। तो वाई का वैल्यू, अंदर जो वैल्यू है, अंदर क्या है फाइव, तो फाइव लिख लो, ठीक है। और 32 जो आया ना, तो 32 से एक कम कर लो, कितना होगा 31/32, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो उसी तरह अगर हम लोग बात करें कि ये अगर मान लो कि चार बार तक रहता, मान लो कि फोर ही टर्म तक रहता, मान लो यहाँ तक रहता, और इसके जगह पे मान लो टू टू रहता, ठीक है ना, या थ्री थ्री रहता, मान लो थ्री थ्री रहता, कितना टर्म तक, एक दो तीन चार टर्म तक, तो हम लोग क्या लिखते, थ्री टू द पावर टू टू द पावर फोर, फोर का पावर मतलब 16, यानी कि 15/16 इज आंसर। आई बात समझ में, ठीक है ना, क्लियर है सबको। मतलब कि जो वैल्यू है वो वैल्यू लिख देना है, उसके बाद कितना बार वो रिपीट किया है, एक दो तीन चार पांच बार रिपीट किया है, तो टू टू द पावर फाइव निकाल लेना, जो जबकि आएगा कितना 32, 32 को फटाक से नीचे लिखो और उससे एक कम करके ऊपर लिख दो, बात खत्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अगर इसी में, वो तो था सब मल्टीप्लीकेशन में था ना, ये मल्टीप्लीकेशन में था, अप टू इन्फिनिटी गया था, तो डायरेक्ट जो अंदर का वैल्यू हुआ वही आंसर आ गया। ये भी मल्टीप्लीकेशन में है लेकिन अप टू इन्फिनिटी नहीं गया है, तो इसको ऐसे कर लिए। लेकिन अब इसमें इस टाइप के क्वेश्चन का क्या है कि इसमें प्लस प्लस आ रहा है, ठीक है ना, प्लस आ रहा है। तो देखो इसका एक तरीका ये है कि 42 का ऐसे फैक्टर करो कि इसके बीच में बस 1 का गैप हो, मतलब 1, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि मैं 2 से कर रहा हूँ तो ये कितना आएगा 21 आएगा, फिर 3 से कर रहा हूँ तो कितना जाएगा 37 जा। तो देखो ये 2 × 3 × 7 = 42 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 7 = 42, तो इन दोनों के बीच में 1 का गैप हो गया, 6 और 7 के बीच में। अच्छा अब देखो 6 और 7 के, मतलब 42 का फैक्टर क्या हो गया, एक 6 और एक 7। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि 42 के बीच में क्या है, प्लस है ना, तो प्लस है तो बड़ा वाला वैल्यू, मतलब 7 इज आंसर, ठीक है। आई बात समझ में। दूसरा तरीका, इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि 42 है और बीच में क्या है, प्लस है, तो 42 से आगे बढ़ते जाओ कब इसका स्क्वायर रूट मिलता है, तो 43 नहीं मिलेगा, 44, 45 नहीं मिलेगा, 46 नहीं मिलेगा, 47, 47 का स्क्वायर रूट भी नहीं मिलेगा, 48 भी नहीं मिलेगा, और 49, तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7, तो 7 इज आंसर। आई बात समझ में। सेम उसी तरह अगर इस क्वेश्चन को हम लोग का बात करें तो देखो यहाँ पर क्या है, 56 है, तो 56 का भी पहले क्या कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड से इसको, इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7 × 8 = 56 हो जाता है ना। इन दोनों के बीच में क्या है, 1 का गैप है, बीच में क्या है, माइनस है, तो माइनस है तो जो छोटा वाला वैल्यू है वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। या फिर 56 बीच में क्या है, माइनस, तो माइनस है तो हम लोग 56 से पीछे सोचेंगे कि पीछे का स्क्वायर रूट कौन सा होता है, तो 56 के पीछे 55, 54, 53, 52, 51, 50 तक स्क्वायर रूट नहीं होता है, लेकिन 49 का होता है, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7, तो 7 इज आंसर। उसी तरह जैसे इसमें था 42 से ऊपर गए तो कितना आया 47, 47 का स्क्वायर रूट, क्यों ऊपर गए, क्योंकि प्लस साइन था, इसमें नीचे क्यों जा रहे हैं, पीछे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि माइनस साइन था इसलिए, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ये चारों फॉर्मूला आप लोग याद रखो, इससे टाइम सेविंग होगा, बाकी ऐसे मेथड वाइज तो हम लोग कर ही सकते हैं, लेकिन मेथड वाइज मेरा हिसाब से ये सब क्वेश्चन मेथड वाइज करने के लिए नहीं होता है। ये कंपटीशन एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो क्वेश्चन देने वाले को ये पता है कि आपको, या वो जानता है, या वो इसीलिए देता है कि आपको ये सब कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए इसमें आज का पहला क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, आज सिक्स नंबर क्वेश्चन करेंगे। सिक्स नंबर क्वेश्चन जो है आज का पहला क्वेश्चन,
इफ रूट्स ऑफ 6x² माइनस 7x प्लस के इक्वल टू 0 आर रेशनल, ये क्या बोल दिया रेशनल, देन के इक्वल टू व्हाट। अच्छा रूट्स इसका क्या है, रेशनल है, रूट्स रेशनल है, मतलब कि फटाक से हम लोग दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि d क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। ये लास्ट क्लास में मैं ये सब लिखाया था, तो उस वीडियो को आप लोग देखो, उसमें अगर कोई दिक्कत हो रही है तो कि रूट्स रेशनल होगा तब क्या होगा, रूट्स इरेशनल होगा तब क्या होगा, इमेजनरी क्या होगा तब क्या होगा, ये सब मैं लिखा चुका हूँ। तो d अगर रेशनल की बात करें तो d को हमेशा क्या होना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। तो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 6x² माइनस 7x प्लस के इक्वल टू 0। आई बस समझ में, यहाँ पर a इक्वल टू 6, b इक्वल टू माइनस 7 और c इक्वल टू कितना है, c इक्वल टू k है, ठीक है ना। तो पहले b निकाल ले, d निकाल लेते हैं, d जो कि क्या होता है b² माइनस 4ac, तो b² b कितना है माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 6 है और c कितना है k है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 49 माइनस 24k, ये ठीक है, ये आ गया d इक्वल टू इतना। अब बोला है कि रूट्स रेशनल है, रूट्स रेशनल होने के लिए d को क्या होना, d इज परफेक्ट स्क्वायर, d को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि 49 माइनस 24k को इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना, इसको परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। तो अब देखो इसको तरीका तो बहुत सारा है, लेकिन अभी हम लोग अब इस पे ज्यादा नहीं सोचेंगे, अब इसको ऑप्शन वाइज चलेंगे। पहले जीरो, अब हम लोग k का वैल्यू पूछ रहे थे, k इक्वल टू एक बार चेक करते हैं क्या जीरो पे परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है क्या, तो चेक करते हैं एट जीरो k इक्वल टू जीरो, k इक्वल टू जीरो पे ये कितना हो जाएगा 49 माइनस 24 इनटू जीरो जो कि हो जाएगा 49 परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि हाँ हम लोग का ऑप्शन ए भी हो सकता है, अभी ओनली बोला है और यहाँ वन भी है, तो एक बार वन लेकर चेक करते हैं। अगर हम लोग बात करें k इक्वल टू वन, तो k इक्वल टू वन करेंगे तो 49 माइनस 24 जो कि कितना आ जाएगा 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि हम लोग का आंसर वन भी सही बोल रहा है, ठीक है, यानी कि बी भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं क्या ये सी में टू भी दिया, क्या टू भी हो सकता है क्या, चेक करते हैं ना क्या दिक्कत है। तो k इक्वल टू टू, तो ये क्या दिया 49 माइनस 24 इंटू टू जो कि हो जा रहा है हम लोग कितना वन। अच्छा ये वन भी परफेक्ट स्क्वायर है क्या, हाँ है, तो ये वन भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया, यानी कि तीनों का तीनों जीरो वन और टू, k का वैल्यू अगर जीरो भी ले तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, वन भी ले तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और टू भी ले तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इसके अलावा और कुछ बन सकता है क्या, बने या ना बने हम लोग को मतलब ही नहीं है, ये ऑप्शन हम लोग को मिल गया तो डायरेक्ट टिक लगाएंगे, वैसे चेक करने के लिए कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। आई होप आप लोग को ये सब समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस x इन ब्रैकेट log e k माइनस 1 माइनस 15 इक्वल टू 0 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, क्या बोल दिया इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब कि एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट बीटा भी क्या होगा अल्फा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, अगर ये अल्फा है तो ये माइनस अल्फा हो जाएगा, यही ना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन साइन का मतलब तो ये हुआ, एक रूट अगर टू है तो दूसरा रूट क्या होगा माइनस टू होगा, एक रूट थ्री है तो दूसरा रूट क्या होगा माइनस थ्री होगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे अगर सम ऑफ रूट्स निकाला जाए, सम ऑफ रूट्स जो कि होगा क्या अल्फा प्लस बीटा, तो वो हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाना चाहिए माइनस बी बाई ए हो जाना चाहिए, और यहाँ अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि ये क्या हो जाएगा जीरो इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस बी इक्वल टू जीरो, यानी कि बी इक्वल टू जीरो। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम लोग बात करें तो बी क्या है, बी तो वही होता है ना जो कि एक्स का कोफिशियंट होता है, तो एक्स का कोफिशियंट कितना है माइनस लॉग ई के, माइनस यहाँ शुरू में है और ये माइनस वन इक्वल टू जीरो, यही ना बी है, बी इक्वल टू जीरो हम लोग यहाँ से निकाल लिए, तो ये है बी, यानी कि लॉग ई के माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी कि लॉग ई के इक्वल टू वन, ठीक है ना, लॉग ई के इक्वल टू वन। तो यहाँ से अगर के का वैल्यू बताया जाए तो e टू द पावर वन हो जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, यानी कि k इक्वल टू क्या हो जाएगा e हो जाएगा। आई बात समझ में, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वन इज माई इज 40 देन द वैल्यू ऑफ k इज, अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मैक्सिमम वैल्यू दे दिया कितना 14। बहुत सारा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का,
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फंक्शन के इक्वल करके उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग निकालेंगे। लेकिन अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब दिया रहता है तो सबसे आसान तो ये होता है कि इसका हम लोग वर्टेक्स एक बार फाइंड कर लें और वर्टेक्स से देख लें कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। कैसे? तो इसको मैं पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है और ए ग्रेटर देन जीरो है तो डिफरेंट डिफरेंट डी के वैल्यू पे, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट पे अगर हम लोग बात करें, एक ऐसा इसका ग्राफ होता है, ग्राफ से बात कर रहा हूँ मैं, एक ऐसा ग्राफ होता है, आप सब ये सब ग्राफ पढ़े होंगे, एक ऐसा ग्राफ होता है, ये ए ग्रेटर देन जीरो पे है और इसका डी भी क्या है, डी लेस देन, ये कब होता है, डी लेस देन जीरो, ठीक है ना। ये क्या होता है, कब होता है, डी इक्वल टू जीरो और ये डी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना, डी ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, जब ऐसे होता है तो इसका वर्टेक्स यहां पर होता है, हम लोग को पता है पहले से, वर्टेक्स यहां पर होता है, वर्टेक्स यहां पर होता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर ए लेस देन जीरो हुआ तो ए लेस देन जीरो के लिए ग्राफ हम लोग का उल्टा हो जाता है ऐसा, फिर एक ग्राफ हम लोग का ऐसा बनता है, सॉरी थोड़ा सा खराब हो रहा है, समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि ये हुआ हम लोग का a लेस देन जीरो और d भी लेस देन जीरो, ये ग्राफ में क्या आएगा, इस ग्राफ में आएगा d इक्वल टू जीरो और इसमें क्या आएगा, d ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना। अच्छा, ये हुआ, अब देखो क्या है, अब यहां पर ये इसका वर्टेक्स होता है, ये इसका वर्टेक्स होता है, ये इसका वर्टेक्स होता है। पैराबोला में हम लोग पढ़े थे कि वर्टेक्स का इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, माइनस बी बाई टू ए क्वाड्रेंट वर्टेक्स का और माइनस डी बाई फोर ए होता है ना, माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए। देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये क्या होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या, अगर इसको हम लोग एक्स एक्सिस के बेसिस पे देखें तो एक्स ये हुआ और y ये होगा, तो मतलब कि y एक्सिस का मतलब इस ग्राफ में अगर बात किया जाए तो इस ग्राफ का हम लोग का वर्टेक्स यानी कि y पॉइंट यहाँ पर है, सबसे मिनिमम पॉइंट यहाँ पर है, मैक्सिमम कहाँ पे है, मैक्सिमम हम लोग को पता नहीं कहाँ पे चला जाएगा। तो ऐसे तीनों ग्राफ के लिए अगर कोई बात करे मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा, नॉट डिफाइंड। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू माइनस डी बाई फोर ए, आई बात समझ में, ठीक है। माइनस डी बाई फोर ए मतलब कि ये वाई पे ही डिपेंड करेगा ना, एक्स एक्सिस ये तो है तो वो तो बस ये ग्राफ बताएगा कि ये ग्राफ कितना इधर शिफ्ट हो रहा है या किधर इतना शिफ्ट हो रहा है, लेकिन जो वाई कोऑर्डिनेट है वही ना बताएगा कि ये ग्राफ कितना ऊपर है या कितना नीचे है। तो इस बेसिस पे मैक्सिमम वैल्यू इसका नॉट डिफाइंड, क्योंकि किसी भी ग्राफ पर जैसे इस ग्राफ का बात करें, इसका मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा हम लोग को पता नहीं है, इसका भी मैक्सिमम ये कहाँ तक जाएगा हम लोग को पता नहीं है, तो मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइन हम लोग बोलेंगे। और मिनिमम वैल्यू का बात करेंगे तो मिनिमम कोई किसी का भी ये होता है, तो ये क्या है, माइनस डी बाई फोर है, वो डिपेंड करेगा इक्वेशन पे। सेम उसी तरह इस ग्राफ में अगर बात किया जाए तो इसका अगर बात करें मैक्सिमम वैल्यू, तो आप लोग खुद बताओ कि इस ग्राफ का, किसी भी ग्राफ का मैक्सिमम कहाँ पे है, मैक्सिमम यहाँ पर दिख रहा है हम लोग को, जो कि क्या होता है, माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई फोर ए इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। और कोई पूछेगा कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड, मिनिमम वैल्यू क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो इस बेसिस पे अब हम लोग का क्वेश्चन क्या था कि मैक्सिमम वैल्यू इसमें पूछे हुए हैं, तो यहाँ पे देखो ना, ए क्या है, ए नेगेटिव है, यानी कि ए लेस देन जीरो है, यानी कि इसी तीनों ग्राफ में से कोई सा भी होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू जैसे कि हम लोग बात किए वो क्या है, माइनस डी बाई फोर ए, माइनस डी बाई फोर ए, तो माइनस डी बाई फोर ए इसका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है ना, माइनस डी बाई फोर ए क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो फाइंड कर लेते हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग क्वेश्चन में माइनस के, ये क्या दिया हुआ है, माइनस के, जो कि लेस देन जीरो है, तो मैक्सिमम, मैक्सिमम पूछा है ना, देन मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई फोर ए, जो कि क्वेश्चन में हम लोग को ऑलरेडी दे दी चुका है क्या, 14। तो d एक बार निकाल लेते हैं, d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये तो निकालना बच्चों वाला खेल है,
तो बी क्या है हम लोग का यहाँ पर के स्क्वायर माइनस बी क्या है बी हम लोग का के है के स्क्वायर माइनस फोर ए सी ठीक है ना के स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस के है और सी कितना है एट है सी कितना है सी यहाँ पर एट है ठीक है तो सी एट हो गया तो फाइनली ये आ गया हम लोग का कितना के स्क्वायर प्लस 32 के ठीक है तो ये आ गया हम लोग का डी का वैल्यू तो डी का वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं ना तो माइनस के स्क्वायर प्लस 32 के बाई 4a ए का वैल्यू कितना है माइनस के इक्वल टू ये दिया है कितना 14 ठीक है तो एक बार माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा फिर यहाँ से के एक कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा के प्लस 32 बाई 4 जो कि हो जाएगा कितना 14k इस के से ये के गया ये जाकर इधर मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा 56 यानी कि के प्लस 32 इक्वल टू 56 तो के का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 24 तो ये के इक्वल टू हम लोग का 24 ही आंसर हो जाएगा आई बात समझ में हाँ तो फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि जब ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो उसका मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइन होगा मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइन क्योंकि इस किसी भी ग्राफ का मैक्सिमम ऊपर ये ग्राफ कहाँ तक जा रहा है हम लोग को पता नहीं है तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइन मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस डी बाई फोर ए तो माइनस डी बाई फोर ए इस टाइप के ग्राफ को जहाँ पे ए लेस देन जीरो होगा तो ए लेस देन जीरो के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा माइनस डी बाई फोर ए क्योंकि किसी भी ग्राफ का मैक्सिमम सबसे ऊपर वाला पोर्शन ही मैक्सिमम होगा ना तो ऊपर क्योंकि ऊपर ग्राफ में जाएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू निकले मिलेगा नीचे जाएंगे तो मिनिमम वैल्यू निकले मिलेगा तो हर एक ग्राफ का हम लोग को मैक्सिमम पॉइंट पता है लेकिन मिनिमम पता है क्या मिनिमम इस सब ग्राफ कहाँ तक जा रहा है हम लोग को कुछ पता नहीं है तो इस बेसिस पे हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर है और मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड ठीक है ना ये वर्टेक्स होता है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी बाई टू है और माइनस डी बाई फोर है मतलब जो किसी भी पैराबोला का ये सब वर्टेक्स होता है इसी का वर्टेक्स का ये कोऑर्डिनेट होता है इसके एक एक्सिस पे से हम लोग कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो बस ये डिफाइन करता है कि ग्राफ इधर कितना जाएगा या इधर कितना शिफ्ट होगा ये इधर कितना शिफ्ट होगा या इधर एक्स एक्सिस में कितना शिफ्ट होगा केवल वाई एक्सिस ही ये डिसाइड करेगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है ठीक है आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा समझो आप लोग इसमें वो तो कन्फ्यूजन होता है ये क्वेश्चन क्या बोला द कोफिशियंट ऑफ एक्स इन द इक्वेशन दिस वन इक्वल टू जीरो वाज टेकन एज 17 मतलब कि x के कोफिशियंट को कितना लिया गया है 17 इन प्लेस ऑफ 13 एंड इट्स रूट्स वर फाउंड टू बी -2 एंड -15 क्या पाया गया है -2 और -15 द रूट्स ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन तो ओरिजिनल इक्वेशन का रूट्स पूछा जा रहा है आई बात समझ में ओरिजिनल इक्वेशन का क्या पूछा जा रहा है रूट्स तो देखो एक चीज इसमें हम लोग का इक्वेशन क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो आई बस सुनने ये हम लोग का इक्वेशन दिया हुआ है ये ओरिजिनल ओरिजिनल इक्वेशन कितना होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस क्यू इक्वल टू जीरो और मान लेते हैं कि इसका एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है ठीक है ना तो इस बेसिस पे अगर अल्फा प्लस बीटा का बात किया जाए तो क्या होता है माइनस बी बाई ए तो माइनस 13 बाई 1 यानी कि माइनस 13 हो जाएगा ठीक है ना अच्छा इसी इक्वेशन को दूसरे तरीका में क्या लिख दिया गया गलती से एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस क्यू इक्वल टू जीरो तो इस इक्वेशन से हम लोग कोई मतलब ही नहीं है हम लोग को इसका बोला है क्या अल्फा बीटा मतलब एक रूट्स -2 है -15 है तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा -2 इंटू -15 ठीक है ना -2 इंटू -15 इसका रूट है आई बात समझ में तो वो कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का अगर बात किया जाए तो q बाई वन अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाई वन होता है ना c बाई ए इस इक्वेशन का c बाई ए कितना है q बाई वन यानी कि c बाई ए इक्वल टू 30 मतलब कि c की जगह पे क्या है q है और नीचे 1 है तो q इक्वल टू कितना आ गया 30 ठीक है ना तो फाइनली हम लोग का इक्वेशन ये कैसा बन गया ये वाला इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30 इक्वल टू जीरो और इसी का क्या पूछ रहा है इसी का पूछ रहा है कि रूट्स क्या है तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो क्या आ जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थर्टी इक्वल टू जीरो, यहाँ से x इक्वल टू माइनस टेन और x इक्वल टू माइनस थ्री, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा, यही हम लोग का रूट्स हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस टेन और माइनस थ्री, x इक्वल टू माइनस टेन और माइनस थ्री इज राइट आंसर, ठीक है। आसान सा था इसका, हम लोग को ये जो चीज दिया हुआ ना इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये बेकार में दे दिया फालतू का, इसका कोई यूज नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इफ द इक्वेशन ऑफ दिस वन एंड दिस वन हैव ए कॉमन रूट्स देन पी इज इक्वल टू, पी का वैल्यू निकालना है कब, जब ये और ये इक्वेशन का एक रूट कॉमन है। तो अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट किए थे थोड़ी देर पहले उसी बेसिस पे है, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव पी इक्वल टू जीरो, और क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री पी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो इसका हम लोग क्या कहते हैं b1 b2, तो b1 क्या है 3, b2 कितना है 2 लिख लेते हैं, फिर c1 c2 यानी कि 5p 3p, उसके बाद क्या था 2 और 1, मतलब इसका कोफिशियंट और इसका कोफिशियंट, इसका कोफिशियंट तो 1 ही है ना, और फिर b वालों को रिपीट कर देना है 3 2, ठीक है। अब लिखना क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई दो, क्या लिखेंगे ये और ये मल्टीप्लाई करना है, थ्री थ्री जा नाइन पी माइनस टेन पी हो जाएगा ना, फाइव टू जाए इधर से इधर के लिए पॉजिटिव और इधर से इधर के लिए निगेटिव, तो माइनस टेन पी। फिर यहाँ पे लिखना क्या एक्स, एक्स के बाद अब हम लोग को दूसरा दो कॉलम लेना है, मतलब फाइव पी इंटू वन यानी कि फाइव पी, और ये इधर से इधर के लिए माइनस लेना है, थ्री टू जाए सिक्स यानी कि माइनस सिक्स पी इक्वल टू वन, वन बाई क्या करना है अब इसमें टू टू जा फोर, टू टू जा फोर माइनस थ्री वन जा थ्री, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा तो कुल मिलाकर ये हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई माइनस पी इक्वल टू एक्स बाई माइनस पी इक्वल टू वन, ठीक है ना। तो एक बार इन दोनों को सॉल्व कर लेते एक साथ, तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा क्या एक्स इक्वल टू माइनस पी, और एक बार इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी, ठीक है ना। ये इक्वेशन वन हो गया, ये मान लो टू हो गया। तो अब देखो, अब ये माइनस पी का वैल्यू कितना है एक्स है, यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन से बात करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है माइनस पी, तो एक्स का वैल्यू माइनस पी, माइनस पी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर इन दोनों को सॉल्व करके फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब कुल मिलाकर ये दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ मैं इक्वेशन वन और टू को, आपको जैसे आता है वैसे कर लो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर इक्वल टू जीरो है यानी कि एक्स इक्वल टू या तो जीरो होगा या फिर एक्स इक्वल टू क्या होगा वन होगा, ठीक है। तो ये दो आंसर आ जाएगा हम लोग का, तो एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू, यहाँ पर x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू वन, हम लोग कैलकुलेशन का सब सही है। तो इस तरह जीरो और वन में ये जीरो और वन ही होना चाहिए ऑप्शन में, भाई बस उनमें जीरो और प्लस वन, क्योंकि यहाँ पर कैसे भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं x इक्वल टू माइनस पी, तो माइनस पी की जगह पर हम लोग क्या पुट कर दिए, माइनस पी की जगह पर x पुट कर दिए, ये x इधर आएगा तो माइनस एक्स ही होगा, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस वन इक्वल टू जीरो यानी कि x इक्वल टू जीरो x इक्वल टू वन, हाँ यही सही है। तो हम लोग यहाँ पर ये ऑप्शन थोड़ा गलत दिया हुआ था, ऑप्शन क्या हो जाएगा C, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, b1 b2 c1 c2 a1 a2 फिर b1 b2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते गए, यहाँ से लाकर ये इक्वेशन तक पहुँच गए। अब इस इक्वेशन को आप लोग जैसे मन करा वैसे सॉल्व कर लो, फाइनल आंसर हम लोग का ये दोनों आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग कि इसको कट नहीं कर देना है, यहाँ पर अगर एक्स से एक्स स्क्वायर को कट करेंगे तो x इक्वल टू वन एक ही वैल्यू आएगा, तो एक वैल्यू हम लोग का नहीं होगा, एक वैल्यू इलिमिनेट हो जाता है ऐसे कंडीशन में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी उसको कट नहीं किया जाता है, कट करने से एक रूट इसका इलिमिनेट हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कट नहीं करना, उसको इधर फेंकना है, इधर फेंक कर कॉमन लो, कॉमन लेने के बाद या तो ए इंटू बी इक्वल टू अगर जीरो है तो या तो ए इक्वल टू जीरो होगा या तो बी इक्वल टू जीरो होगा, तो इस बेसिस पे एक्स इक्वल टू जीरो हो गया और एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा तो उससे एक्स इक्वल टू वन आ गया, ठीक है, समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बोला क्या, इफ एक्स इज अ रियल देन द वैल्यू ऑफ द एक्सपेंशन दिस वन कैन नेवर बी लेस देन, इसका वैल्यू पूछ रहा है कि कभी भी कम नहीं होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन हम लोग आगे चल के फंक्शन के जब मैं क्लास लूंगा उसमें भी बताऊंगा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी अगर है तो इसको कर लेते हैं एक बार। देखो इसको क्या करेंगे, मान लो कि y इक्वल टू हम लोग लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव और फिर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ठीक है ना। इसको एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव और ये y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ठीक है ना। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ये टू प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको एक साइड फेंक कर अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या आएगा वन माइनस वाई, मतलब इसको x में क्वाड्रेटिक बना लेना है तो जो कि आएगा कितना सिक्स प्लस टू वाई एक्स, फिर ये जाएगा इधर और इससे बैलेंस होकर ये हो जाएगा कितना फाइव माइनस वाई इक्वल टू जीरो। आप लोग इसको अपने से देख लेना एक बार, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शुरू में ही बोल दिया क्या है, एक्स इज अ रियल, एक्स रियल, एक्स रियल मतलब क्या कि इसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। एक्स रियल का मतलब तो ये होता है ना डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक्स इज रियल यानी कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब कि डी मतलब क्या, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को क्या बोल दिया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इसमें हम लोग का ए कितना है, ए इक्वल टू वन माइनस वाई, बी कितना है माइनस सिक्स प्लस टू वाई और सी कितना है फाइव माइनस वाई, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं एक बार, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हम लोग कितना है माइनस सिक्स प्लस टू वाई और ये सबका होल स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना है वन माइनस वाई फोर ए सी, सी कितना है फाइव माइनस वाई, ये क्या दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो फाइनली इसको अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो आएगा क्या सिक्स प्लस टू वाई का होल स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है माइनस फोर, अपने से मल्टीप्लाई करो आप लोग जल्दी कर सकते हो, फाइव माइनस वाई माइनस फाइव वाई हो जाएगा फिर प्लस वाई स्क्वायर और ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। फिर इसको अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा ये थर्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी फोर वाई फोर वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस माइनस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फोर वाई माइनस फोर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इससे ये गया, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना जाएगा फोर्टी एट y प्लस सिक्सटीन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। इसको इससे सॉल्व करेंगे तो ये ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फोर्टी एट हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा सिक्सटीन, ठीक है ना। तो इससे सॉल्व करेंगे तो ये y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस वन बाई थ्री, ठीक है ना। y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री का मतलब क्या हुआ कि y का वैल्यू यहाँ पे अगर माइनस वन बाई थ्री है, माइनस वन बाई थ्री तो इससे इक्वल टू भी है तो इससे इधर ही बड़ा ही जाएगा, यानी कि हम लोग का क्या आ जाएगा कभी भी लेस देन नहीं होगा किससे, इससे लेस देन नहीं होगा, इधर नहीं आएगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू ये हम लोग क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा माइनस वन बाई थ्री, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को जो भी दिया हुआ है जिसका मिनिमम वैल्यू लेस देन होना चाहिए उसको वाई के इक्वल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग को ये चीज़ ला लेंगे, ये चीज आने के बाद इसको x में क्वाड्रेटिक बना लेंगे, ठीक है ना। x में क्वाड्रेटिक बना लिए, क्वाड्रेटिक बनाने के बाद हम लोग क्वेश्चन में दे दिया x इज अ रियल, तो x रियल होने के लिए क्या होना चाहिए d ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर इक्वल टू जीरो हम लोग बोल दिए। ये बोलने के बाद ये वैल्यू a b c का वैल्यू पुट किए, उसको सॉल्व किए, यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इफ रूट्स ऑफ, क्या बोला है, इफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस लॉग टू ए इक्वल टू जीरो इज रियल देन ए इज, ए का वैल्यू पूछ रहा है। फिर वैसा ही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस लॉग टू ए इक्वल टू जीरो इज रियल, ठीक है ना, तो डी एक्स रियल है यानी कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा ना, तो यहाँ पर ए कितना है, ए है वन और बी कितना है माइनस फोर और सी कितना है माइनस लॉग बेस टू आर्गुमेंट ए, ठीक है। तो इसमें बोला अगर डी ग्रेटर देन जीरो तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो बी को कर दो माइनस फोर का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस लॉग टू बेस ए, ये हो जाए कितना ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, तो ये हो जाए कितना 16 प्लस फोर लॉग टू बेस ए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर फोर कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, फोर को कॉमन ले लेंगे, तो फोर कॉमन ले लेते हैं, तो फोर प्लस लॉग टू बेस ए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, फोर उधर फेंका कर जीरो हो जाएगा, यानी कि लॉग टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस फोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लॉग के प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 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 द पावर माइनस फोर, आई बात समझ में, तो यहाँ से ए यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1/16 का मतलब कितना हुआ, फिर वही कॉन्सेप्ट, यहाँ माइनस इन्फिनिटी से ये इन्फिनिटी तक अगर बात कर रहा है, ये कितना है 1/16, ए का वैल्यू कितना हुआ 1/16, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/16, यानी कि ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ से लेकर इधर होना चाहिए। तो फाइनली हम लोग का ये क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू 1/16 से इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी है, उस टाइप का एक ऑप्शन ये भी है, लेकिन यहाँ पर अगर इक्वल टू साइन है तो हम लोग क्लोज ब्रैकेट लेंगे, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म, आज इतना ही था, ठीक है, आज के इतना क्वेश्चन में 12 तक क्वेश्चन किया हम लोग, 6 से 12 तक, होप ये सब आप लोग को समझ में आया होगा, ये सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह आप लोग करो, और फिर कुछ क्वेश्चन मैं आज होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आप लोग खुद से करो, जैसे कि इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस वन 0 is 7 देन रूट्स आर, तो रूट्स बताना है कि हम लोग का रेशनल होगा, इरेशनल होगा, इमेजिनरी होगा या नन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करो, इसमें क्यू का वैल्यू फाइंड करो, इफ ये कॉमन रूट्स, इसमें फाइंड करो इसको, और इसमें जो भी इसका आंसर आ रहा है आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करो, आंसर सही है, आज भी किसी ने किया था, उसमें एक का गलत था, एक का आंसर एक गलत था, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन मैं चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास में, मैं आंसर जरूर बताऊंगा जिसका तीनों का तीनों आंसर सही होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि लास्ट क्लास में जो होमवर्क मिला था उसका आंसर क्या होगा, तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन तो देखो, जैसे कि मैं वीडियो लेक्चर में जो दिया था वही क्वेश्चन डायरेक्ट में दे दिया था, तो इसका आंसर तो डायरेक्ट हम लोग का ये हो जाएगा, कैसे इसका आंसर हुआ आप लोग वीडियो जरूर देखें, वीडियो में देखो आप लोग को पता चल जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर आप लोग फिर से बनाना चाह रहे हो तो ये पाई बाई 12 करके एक बार इसको जरूर बना लेना, इसका कुछ और आंसर आएगा फिर, तो एक्चुअली मैं देना ये चाहता था लेकिन बाई मिस्टेक ये चला गया क्वेश्चन, सेम जो कि मैं वीडियो लेक्चर में कराया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग फिर से करो इसको और इसको 10 π/12 करके इसका आंसर बना लो, ठीक है। अच्छा अब बात आ रही है कि इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुतों ने मुझसे पूछा जिसमें इन लोगों का आंसर किसी का 2 आ रहा है, किसी का 4 आ रहा है, तो बच्चों एक बात ध्यान दो कि यहाँ पर ये सब क्वेश्चन में कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, अगर कैलकुलेशन भी करोगे तो वही आएगा जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ बताओ कि ये वैल्यू यहाँ पर एक्स का दुनिया का कोई सा भी नंबर पुट कर दिया जाए तो क्या वो कभी निगेटिव होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा। फिर ये मॉडुलस में है, यहाँ पर भी एक्स का अगर कोई सा वैल्यू रखेंगे तो ये भी कभी निगेटिव नहीं होगा। तो अब देखो, ना ही ये वैल्यू निगेटिव होगा, ना ही ये वैल्यू निगेटिव होगा, और ना ही ये निगेटिव है, तो इस सब को सॉल्व करेंगे तो ये कभी भी जीरो हो सकता है क्या, कभी भी जीरो नहीं होगा, तो कभी भी जीरो नहीं होगा यानी कि इसका नो रूट्स, आई बात समझ में क्लियर है। एक बार और, ये एक्स का यहाँ पर कोई सा वैल्यू पुट करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर एक्स का कोई सा वैल्यू रखेंगे
तो उसका मॉडुलस निकालेंगे वो भी पॉजिटिव आएगा, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव तो है ही, तो यानी कि दुनिया का कोई सा वैल्यू यहाँ पर पुट करें ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जो कि 6 से बड़ा ही होगा, 6 से छोटा तो कभी होगा नहीं, तो इसलिए ये कभी जीरो नहीं होगा। जब जीरो होगा ही नहीं तो ये LHS इक्वल टू RHS कभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर नो रूट्स हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो ये एक क्वेश्चन दिया गया था, और इफ़ रूट्स ऑफ दिस वन एंड दिस वन इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल देन रिलेशन बिटवीन ABCR। देखो किसी ने बहुत लंबा इसको प्रोसेस से करके मुझे व्हाट्सएप पे भी भेजा था, तो मैं आप लोग को ये चीज़ बता दे रहा हूँ कि एक कॉन्सेप्ट मैं पिछले लास्ट लेक्चर में कराया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट लेक्चर में, कि जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशियंट अगर क्या हो, साइक्लिक ऑर्डर में हो, तो इसका एक रूट 1 होता है और दूसरा रूट क्या होता है, C/A होता है। तो एक बार चेक करते हैं कि ये साइक्लिक ऑर्डर में है क्या, तो A-B, B-C, C-A ऑलमोस्ट साइक्लिक ऑर्डर में ही है, A-B, B-C, C-A ऐसा ही है ना। तो ऐसे करने से मतलब कि A-B + C-A + B-C, देखो ना इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, फाइनली ये आ गया कितना, 0। अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका एक रूट अल्फा इक्वल टू 1 है और बीटा इक्वल टू क्या है, C/A है। और यहाँ पर बोला है कि दोनों रूट्स इक्वल है, यानी कि अल्फा भी 1 है और बीटा भी 1 है, यानी कि ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू 1 होते ही सी का वैल्यू कितना है हम लोग के यहाँ पर, B-C, और ए का वैल्यू कितना है, A-B है ना, A-B ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, B-C/A-B इक्वल टू A-B। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2B इक्वल टू A+C आ जाएगा, यानी कि B इक्वल टू A+C/2। तो ये क्या बोलता है कि ये कब प्रॉपर्टी, कब इसका अप्लाई होता है, ABCR in AP, ठीक है ना, तो ABCR in AP हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को जो भी ये 3 क्वेश्चन दिया गया है आज, इसको बनाओ, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करो। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।